नमस्कार, हेलो एंड वेलकम टू रिविजन मिथिला क्लासेस। फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। सो फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड आई एम गोइंग टू स्टार्ट सीरीज ऑफ हिस्ट्री लेक्चर्स दैट विल बी यूजफुल फॉर यूपीएससी एंड अदर स्टेट पीसीएस एग्जामिनेशन। एंड इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर एनी अदर एग्जामिनेशन वेयर हिस्ट्री क्वेश्चंस आर बीइंग आस्क्ड, then these classes are equally useful for you also. So friends, in this lecture I will be discussing about syllabus of ancient history, then I will be discussing about stone age. आइए समझते हैं। So teaching language will be bilingual, that is Hindi plus English. Friends, हमें syllabus के बारे में क्यों जानना चाहिए? Because syllabus is a guiding light for your whole preparation process. जैसा कि हम सब जानते हैं, civil service का जो syllabus है that is very vast. So without syllabus you cannot prepare. So to get success in the examination you must know about syllabus. आइए इसे देखते हैं। सबसे पहले प्री हिस्टोरिक कल्चर्स इन इंडिया, ये सिलेबस का पार्ट है। एंड ईच एंड एवरीथिंग दैट इज मैंशनड इन द सिलेबस आई विल बी डिस्कसिंग दैट वन इन डिटेल। आइए लौटते हैं टॉपिक पे। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्री हिस्ट्री? सो प्री हिस्ट्री इज ए टाइम बिफोर रिटन रिकॉर्ड्स, उस टाइम पर रिटन लैंग्वेज का स्क्रिप्ट का डेवलपमेंट नहीं हुआ था। सो दैट इज कॉल्ड प्री हिस्टोरिक पीरियड। सो प्री हिस्टोरिक पीरियड को तीन पार्ट में बांटा गया है। फर्स्ट वन इज स्टोन एज, सेकेंड वन इज ब्रॉन्ज एज एंड थर्ड वन इज आयरन एज। सो आउट ऑफ दिस टुडे आई विल बी डिस्कसिंग अबाउट स्टोन एज। सो नेक्स्ट वन इज अंडर सिलेबस IVC, दैट इज इंडस वैली सिविलाइजेशन, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। सो थर्ड वन इज वैदिक एज, इनके दो पार्ट हैं, अर्ली वैदिक एज एंड देन लेटर वैदिक एज, सबके बारे में हम डिस्कस करेंगे इन डिटेल में। देन फॉर्मेशन ऑफ स्टेट्स एंड अर्बनाइजेशन, ये क्या है? ये है कि जो हम सब जानते हैं कि 6th century BC में जो इंडिया में 16 महाजनपद थे, यानी कि लार्ज स्टेट थे, और दैट वाज द सेकंड अर्बनाइजेशन आफ्टर द इंडस वैली सिविलाइजेशन, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक अंडर एंशियंट हिस्ट्री बुद्धिज्म एंड जैनिज्म, बिकॉज ईच एंड एवरी ईयर सम क्वेश्चन आर बींग आस्क इन UPSC डेफिनेटली एंड अदर स्टेट PCS ऑल्सो, इसे हम डिटेल में पढ़ेंगे। सो ऑल द एस्पेक्ट्स ऑफ बुद्धिज्म एंड जैनिज्म दैट इज यूजफुल फॉर एग्जामिनेशन विल बी स्टडिंग नेक्स्ट। उसके बाद आता है मौर्यन एम्पायर। हम सब जानते हैं कि मौर्यन एम्पायर चंद्रगुप्त मौर्य ने स्थापित किया था विद द हेल्प ऑफ ग्रेट स्कॉलर चाणक्य, और इसके सबसे महान जो शासक हुए थे उनका नाम है अशोका, यू नो अबाउट हिम, और उनका जो इंस्क्रिप्शन है उसके बारे में भी स्टडी करेंगे। देन हिज धम्मा, धम्मा पाली भाषा का शब्द है, एक्चुअली धर्मा, सो दैट इज, जैसे पाली भाषा में देखेंगे आर नहीं होता है, दैट इज कॉल धर्मा टू धम्मा। देन कल्चर ऑफ मौर्यन पीरियड एंड देयर एडमिनिस्ट्रेशन एंड आर्ट, इन सब चीज़ों के बारे में हम पढ़ेंगे। एडमिनिस्ट्रेशन पे थोड़ा सा नज़र डालते हैं। जैसा कि सिविल सर्विस का जो इवोल्यूशन इंडिया में है, सो मौर्यन पीरियड में हम पाते हैं कि जो उसका डिटेल प्रोसीजर है सिलेक्शन का, एग्जामिनेशन का, जो चाणक्य जो थे उन्होंने इसका एस्टेब्लिशमेंट किया था होल प्रोसेस का, और इस प्रकार से एग्जामिनेशन के बेसिस पे स्टूडेंट्स का उसमें सिलेक्शन होता था। देन आफ्टर द डिक्लाइन ऑफ मौर्यन पीरियड, सो दैट इज कॉल्ड पोस्ट मौर्यन इंडिया, इसके बारे में भी पढ़ेंगे। सो आफ्टर द डिक्लाइन ऑफ मौर्यन एम्पायर कौन कौन से जो छोटे छोटे राज्य थे उसका उदय हुआ, इसके बारे में हम जानेंगे। सो आफ्टर द डिक्लाइन ऑफ मौर्यन पीरियड जो सबसे महत्वपूर्ण राज्य का जिसका उदय हुआ दैट इज कॉल्ड सातवाहना डायनेस्टी। देख सकते हैं कितना विशाल साम्राज्य इन्होंने स्थापित किया था। ये ऑलमोस्ट ये सेंटर और ये साउथ इंडिया हम देख रहे हैं, कुछ पार्टी साउथ इंडिया का, बाकी ये देख रहे हैं ये वाला नहीं, तो ये बहुत बड़ा एम्पायर था सातवाहना एम्पायर। इनका कैपिटल कहाँ था? अमरावती। अमरावती कहाँ पे है? आंध्र प्रदेश में है। नेक्स्ट वन इज संगम एज, ये बेसिकली तमिलनाडु में इसका संबंध है। उसके बाद इंडो ग्रीक किंग्स, ये कहाँ पे? नॉर्थ वेस्ट पार्ट ऑफ इंडिया। देन भागवतिज्म, ये डिफरेंट रिलीजन्स है। देन सेविज्म, बुद्धिज्म, एंड बुद्धिज्म के दो पार्ट महायाना एंड हीनयाना। सो महायाना क्या है? जिसमें मूर्ति पूजा अलाउड है, एंड हीनयाना में सो मूर्ति पूजा अलाउड नहीं है। देन जैनिज्म, जैनिज्म के भी दो पार्ट है, दिगंबर एंड श्वेतांबर, इसके बारे में डिस्कस करें। एंड देन देयर कल्चर एंड आर्ट, इन सब चीज़ों के बारे में हम स्टडी करेंगे। देन नेक्स्ट वन इज गुप्ता एरा। सो गुप्ता एरा इज कॉल्ड गोल्डन एरा ऑफ इंडिया बिकॉज ईच एंड एवरी फील्ड ऑफ ह्यूमन स्फीयर, ह्यूमन लाइफ, हम देखते हैं इंडिया में ग्रेट इनोवेशन हुए साइंस में, मेडिसिन में, उसके बाद मेटलर्जी में, आर्ट में, कल्चर में। सो
each and every aspect of human life is the great achievement. That's why this era is called the golden era of India. The literatures, जैसे कालिदास है, वरामीर है, इन लोगों के द्वारा जो बुक लिखी गई थी उसके बारे में स्टडी करेंगे, क्योंकि यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछी जाती है हुई द ऑथर ऑफ दिस. अब लौटते हैं आज के जो सिलेबस का डिस्कशन के बाद. सो आई एम गोइंग टू स्टार्ट स्टोन एज. सो सबसे पहले इसमें आता है पेलियोलिथिक. अब लिथिक से मीनिंग है स्टोन एज. सो इसका टाइम पीरियड क्या है? टाइम पीरियड देख रहे हैं कि 2.5 मिलियन ईयर से लेकर के 10,000 BC तक का, इतना बड़ा, बहुत बड़ा इसका टाइम पीरियड पेलियोलिथिक. दैट इज ओल्ड स्टोन एज. पेलियो मीन्स ओल्ड. दिस फेज रिप्रेजेंट्स द लास्ट फेज ऑफ ग्रेट आइस एज. ये जस्ट आइस एज के बाद का पीरियड है ये. इन दिस एज आइस स्टार्टेड मेल्टिंग ऑन अर्थ. टूल्स यूज्ड इन दिस एज वर नोन एज पेबल. देन नेम ऑफ द टूल्स दैट वर यूज्ड, सो हैंड एक्स, क्लीवर, देन चोपिंग चोपर. ये टूल्स यूज किए जाते थे पेलियोलिथिक पीरियड में मनुष्यों के द्वारा. पिक्चर में आप देख सकते हैं डिफरेंट काइंड्स ऑफ टूल दैट आवर ग्रेट एंसेस्टर्स दे वर यूजिंग दैट पीरियड ऑफ टाइम. सो ओल्डेस्ट स्टोन टूल वाज डिस्कवर्ड फ्रॉम बोरी, महाराष्ट्र. इसे आप याद रखें. लार्जेस्ट नंबर ऑफ टूल्स ऑफ दिस पीरियड हैज बीन डिस्कवर्ड फ्रॉम सून वैली. टूल्स ऑफ दिस एज हैव बीन डिस्कवर्ड फ्रॉम ऑल ओवर इंडिया एक्सेप्ट गंगा वैली. गैंगेटिक वैली में जो है पेलियोलिथिक एज के टूल नहीं डिस्कवर किया गया. सो दिस वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू. आप जरूर याद रखें बिकॉज क्वेश्चन माइट बी फ्रेम्ड फ्रॉम. सो इस प्रकार से हमने देखा पेलियोलिथिक एज के बारे में. यहाँ से बहुत ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछी जाती है. कौन कहाँ से सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछी जाती है? दैट इज न्यूलिथिक पीरियड. जैसे उसका लोकेशन कहाँ पे है, किस राज्य में है, तो उसके बारे में हम देखेंगे. बट बिफोर दैट वन, सो टूडे टॉपिक आफ्टर पेलियोलिथिक इज मीसोलिथिक. मीसोलिथिक मीन्स मिडल स्टोन एज आप बोल सकते हैं. सो इसका टाइम पीरियड देखिए क्या, 10,000 BC से लेकर के 7,000 BC तक का टाइम पीरियड है मीसोलिथिक एज. अराउंड 10,000 BC होलोसीन एज बिगेन. लास्ट जो आइस एज था उसके बाद का. दिस एज वाज, इन दिस एज देयर वाज ब्लोइंग अ फास्ट हॉट ड्राई विंड्स. बिकॉज ऑफ दिस नंबर ऑफ वाटर रिजर्वायर एंड लेक्स डाइड अप. हॉट विंड आप देख सकते हैं, एक प्रकार क्लाइमेट चेंज प्रकार की घटना हो रही है. तो देयर इज ब्लोइंग ऑफ फास्ट हॉट एंड ड्राई विंड्स एंड दैट लेड टू द वाटर रिजर्वायर एंड लेक्स ड्राइंग अप. लैंड वाज क्लियर्ड फॉर द ग्रोथ ऑफ वेजिटेशन. इस प्रकार से जब आइस का मेल्टिंग हो जाता है तो उसके बाद जो है सो पेड़ पौधे उगने लग जाते हैं. तो ये सारी घटनाएं कब होती है? मीसोलिथिक एज. सो इन दिस एज वी कैन सी दैट कंपैरेटिवली वार्मर क्लाइमेट वाज देयर एंड दैट वाज मोर सुटेबल फॉर लाइफ. एंड बिकॉज ऑफ दिस पॉपुलेशन इंक्रीज. हम सब जानते हैं कि जहाँ पे लाइफ सुटेबल कंडीशन है ह्यूमन पॉपुलेशन के थ्राइव के, पॉपुलेशन इंक्रीज हुआ. जैसे आप इंडिया में देख सकते हैं पॉपुलेशन एक्सप्लोजन बिकॉज ऑफ दिस ओनली. बिकॉज इंडिया का क्लाइमेट है सो आदमी करने के लिए बहुत उपयुक्त है. बिकॉज वी हैव प्लेंटी ऑफ वाटर रिसोर्सेज देन वी हैव मोस्ट फर्टाइल लैंड इन द वर्ल्ड. सो ड्राइंग ऑफ वाटर रिजर्वायर इन सम एरिया फोर्स्ड मैन टू मूव इन दोज एरिया वेयर सच रिसोर्सेज वर स्टिल अवेलेबल. जैसे अब हम जानते हैं कि जब एक पार्ट में जो ह्यूमन सर्वाइवल के लिए जो रिसोर्सेज चाहिए वो अवेलेबल नहीं रहा तो लोग माइग्रेट कर जाते हैं वन एरिया टू अदर एरिया. सेम थिंग हैपेंड हियर आल्सो. ये देख सकते हैं मीसोलिथिक टूल्स के बारे में. सो इंक्रीज इन टेम्परेचर रिजल्टेड इन मेल्टिंग ऑफ आइस एंड बिकॉज ऑफ दिस सी लेवल आल्सो इंक्रीज. सो दिस लेड टू मेल्टिंग ऑफ आइस लेड टू इंक्रीज इन सी लेवल. अभी भी हम देखते हैं कि हमारे टाइम पर भी जो हम न्यूज में देखते रहते अंटार्कटिका में बहुत बड़े बड़े जो आइसबर्ग है वो टूटता है, उसके बाद मेल्ट होता है और सी लेवल बढ़ते जाते हैं. सो इट फोर्सेस द पॉपुलेशन टू माइग्रेट टू अदर एरिया रिजल्ट इन सिग्निफिकेंट इंक्रीज इन पॉपुलेशन इन डेंसिटी इन सम एरिया. सेम थिंग जैसे कि वाटर रिजर्वायर जब सूख गया था तो लोग वहाँ पे माइग्रेट करके जहाँ पे वाटर रिजर्वायर वाटर वाज स्टिल अवेलेबल. सो सेम थिंग हैपेंड हियर आल्सो. कोस्टल एरिया में ये जब जलमग्न हो गया सो व्हेन कोस्टल एरिया गॉट सबमर्ज्ड देन पीपल माइग्रेटेड टू सेफर एरिया. सो इंक्रीज इन पॉपुलेशन डिस्टर्ब द बैलेंस बिटवीन द नीड ऑफ फूड एंड अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज. वेरी इंपॉर्टेंट. सो जानते हैं कि जो होल वर्ल्ड का जो इकोनॉमिक सिस्टम है दैट इज बेस्ड ऑन डिमांड एंड सप्लाई. सो सेम थिंग वाज यू टेकिंग प्लेस हियर आल्सो. बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन पॉपुलेशन डेंसिटी सो देयर वाज स्कार्सिटी ऑफ फूड एंड अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज. सो हंटिंग एंड फूड गैदरिंग कुड नो लॉन्गर फुलफिल द फूड नीड्स ऑफ द ह्यूमन. तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं जो हंटर और गैदरर का जो लाइफ वो लोग जी रहे थे दैट वाज नो मोर यू नो वाइबल.
So because of this man was forced to take up the domestication of animal. So इसके कारण क्या हुआ, लोग अब जानवरों को पालन करने लगे. So the increasing population density also led to formation of group. जब population ज्यादा बढ़ गया तो लोगों ने अपना एक group form करने लगा. This marked the beginning of community life. और जब आदमी group में रहने लगा so that was beginning of the community life. आइए देखते हैं इस age के tools के बारे में. इस picture में आप देख सकते हैं different tools. The tools of this एज वाज नोन एज माइक्रोलिथ. हम सब देख सकते हैं जो पिछला पिक्चर में आप देखे होंगे जो टूल्स थे दैट वाज नॉट सोफिस्टिकेटेड. यहाँ पे देख सकते हैं कि मोर सोफिस्टिकेशन इज देयर. सो इन दिस एज टूल्स वर कॉल्ड एज माइक्रोलिथ बिकॉज दे वर वेरी स्मॉल इन साइज. देख सकते हैं इस पिक्चर में आप रफली 5 सेंटीमीटर का लेंथ होता था. सो ह्यूमन बिकम अवेयर ऑफ फायर इसी एज में एंड बिकॉज ऑफ दिस फूड वाज नो लॉन्गर कंज्यूम्ड इन रॉ फॉर्म. अब क्या है कि लोग फूड को कुक करके पका करके जला करके खाने लगे. सो ऑल दी थिंग्स हैपेंड कब हुआ, ये मीसोलिथिक एज पे हुआ. सो मोस्ट ऑफ द भीमबेटका कहाँ पे, एमपी में भोपाल के पास. पेंटिंग बिलोंग्स टू दिस एज. द पेंटिंग हैव बीन फाउंड फ्रॉम भीमबेटका इन एमपी, आदमगढ़ एंड मिर्जापुर. ये सब कहाँ पे, यूपी में है. इस पिक्चर में आप देख सकते हैं, देखिए पेंटिंग जो हमारे ग्रेट एंसेस्टर थे उन्होंने पेंटिंग बनाया केव्स के वॉल पे. द अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल हैज बीन फाउंड फ्रॉम आदमगढ़ इन एमपी एंड बागोर इन राजस्थान. इसे भी आप याद रखें. इस पिक्चर को भी देखिए आप, एक्चुअली दिस इज पेंटिंग ऑन द वॉल ऑफ केव. बागोर इज द बिगेस्ट मीसोलिथिक साइट इन इंडिया. इसे आप रिमेम्बर करें. इन बागोर द एविडेंस ऑफ हट्स हैज बीन फाउंड. देख सकते हैं ये हट्स का एविडेंस है यहाँ पे. यहाँ पे बागोर कहाँ पे, राजस्थान में. देखा हम लास्ट स्लाइड. लार्ज नंबर ऑफ माइक्रोलिथ्स हैव ऑल्सो बीन फाउंड इन पटने. पटने कहाँ पे, महाराष्ट्र में. एविडेंस ऑफ वारफेयर कहाँ पे, सराय नहर राय. यहाँ पे एविडेंस ऑफ वारफेयर जो मीसोलिथिक एज में डिफरेंट ग्रुप्स के बीच वारफेयर हुआ था उसके एविडेंस हम यहाँ पे पाते हैं. सो फ्रेंड्स, इन दिस लेक्चर आई हैव डिस्कस्ड अबाउट सिलेबस ऑफ एंशियंट हिस्ट्री एंड आई हैव टेकन यू थ्रू द पेलियोलिथिक एज देन मीसोलिथिक एज. And in the next lecture, I'll be discussing about Neolithic age and important Neolithic sites. So, thanks for watching. Shikshat, main aapse vidha leta hu.